विधानसभा हलका फतेहगढ़ चूड़ियां तो श्रोमणी अकाली दल की टिकट मिलने तो बाद अज लखबीर सिंह लोधीनगर पहली बार कस्बा फतेहगढ़ चूड़ियां विखे पहुंचे हैं, जिथे उन्होंने अज अकाली दल के वर्करां ते आम लोगों ने निघा स्वागत किया है। लोगों वालों किए गए इस निघे स्वागत को वेख के लखबीर सिंह लोधीनगर बागो बाग विखाई दिते हैं। उन्होंने स्थानक कस्बे के वख-वख धार्मिक स्थानों पर अज मत्था भी टेकया है। इस मौके पत्रकारों नाल गलबात करदिआं लखबीर सिंह लोधीनगर ने कहा है कि अज लोगों का इन्ना उत्साह वेख के एक गल साफ है कि आने वाली विधानसभा चोणों के इतों श्रोमणी अकाली दल को वड्डी लीड हासिल होने वाली है। गुरद्वारा करतारपुर साहब का लांघा खुलन से उन्होंने संगतों को बधाई भी दी है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हलका फतेहगढ़ चूड़ियाँ क्योंकि मेरा दिमांदरू हलका है, मैं बछिंदा है इतों का, और मैं समझदा कि मैं जिन्ने दिन की यह टिकट की अनाउंसमेंट हुई है उन्ने दिन के टेक्नोलॉजी नू मेनटेन करने वास्ते सारे मौजूदा व्यक्तियों के टैलीफोन नंबर संपर्क उन्हां नू फस्ट टच दे के अज प्रोग्राम बनाया सी कि असी मुकद्दस स्थान जिहड़े ने भावें वह किसी भी धर्म का उन्हां दे उत्ते नतमस्तक होइए, भगवान श्री चंद जी के मंदिर च मत्था टेकन उपरंत बाबा बुढ़ा साहब के स्थान पर तेजा बाबा तेजा कलां दे विच नतमस्तक होने तों बाद इत्थे प्रभु यसू मसीह के मुकद्दस स्थान चर्च विखे हाजिर होए हैं, और सारी सानू साडी मसीह बरादरी ने बड़ा भरवां प्यार दिता, और मैं समझना कि रोड के उत्ते लोगों खलो खलो के जिन्ना स्वागत किया जिदा अजे असी टाइम टेबल कोई दिता नहीं सी, ना असी कोई प्रोग्राम बनाया सी असी अड्डिया रुकना। मैं अथाह खुशी महसूस कर रहा कि श्रोमणी अकाली दल के वर्कर होने के नाते श्रोमणी अकाली दल की इलेक्शन में कैंडीडेट होने के नाते लोगों ने बड़ा जोश से हंगारे के नाल मैनू जी आया आख्या, और विश्वास दवाया कि यह जरा आने वाला समा आ बहुत वड्डी जित दे नाल श्रोमणी अकाली दल की सीट जी जित के उन्होंने झोली च पावांगे, तो मैं अथाह खुशी महसूस कर रहा। सारा परिवार असी लोगों के चरण छू रहे हैं, लोगों का यह जरा बहुत प्यार भरिया हंगारा है उन्होंने असी वेलकम कर रहे हैं, उन्होंने धन्यवाद कर रहे हैं। लोधीनगर साहब करतारपुर का लांघा भारत सरकार वालों खोले गया, किवें वेखदे हो? देखो दरअसल आ बहुत चंगी गल आ, पहली तो गल आ भी लांघा खोलना चाहिए सी क्योंकि करोना करके सारा ही लॉकडाउन होया सी, हुण काफ़ी चीज़ां सारिया ही ओपन हो गई सी, तो चलो ला जिहड़ा लांघा जदों पहलों एक बन के प्रोसीजर खुल गया सी ते हुण करोना करके लॉकडाउन करके बंद सी हुण खुल गया आ, बहुत चंगी गल आ, मैं समझना इस गल नूं ते वेलकम करना चाहिए, पर इनू आवें कंट्रोवर्सी दे विच ले जाइए मैं उहदे वाले बने नहीं जाना चाहुंदा। मैं समझना खुला रहना चाहिए, परमात्मा सुख शांत रखे, हालात ठीक रहन, और दोनों देशों के भी हालात ठीक होन ते लोग आपो अपने पवित्र स्थानों के जिहड़े आ दर्शन जाके खुशी खुशी करते रहन। लोधीनगर साहब चलो शुरुआत बहुत वधिया ढंग नाल धार्मिक स्थानों तों कीती गई आ, आने वाले दिनों में अकाली बसपा जिहड़े अपने सपोर्टर या समर्थक उन्होंने लामबंद करने लिए जिहड़ी की स्ट्रैटजी जिहड़ी मेन बनाई गई? हुण इस तों बाद जी असी सारे जिहड़े साढ़े बसपा दे ते श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर साथी ने जिवें आपां उस दिन इत्थे सारे साढ़े एम सी साहिबान की ते सीनियर साथियों की मीटिंग की सी, इस तों पिछों असी सारे सीनियर साथी तुहाडे सामने खड़े ने, शहर वाले नाल सलाह करके इत्थे मीटिंगां कीतियां जाणगियां, रूरल एरिए दे सारे साथी मेरे आए ने, साडे जिला प्रधान भी नाल अज सारी दिहाड़ी रहे ने, असी उत्थे एसी विंग दियां बसपा दियां यूथ विंग दियां हुण फौरन मीटिंगां जिहड़ियां ने, हुण असी एक थां सिर्फ जाणा आ गुरद्वारा होठियां साहब गुरु अर्जन देव जी का पवित्र स्थान आ, उहदे च असीं मेरा ख्याल शायद 20 तरीक का प्रोग्राम रख्या, उस तों पिछों असी पिंडां दा दौरा कंटीन्यूअसली शुरू कर देना आ, और हर पिंड जा के असी लोगों के दर्शन करने हैं, और असी इस इलेक्शन मुहिम में पूरी जोशो खरोश के नाल जिहड़ा शुरू करना है। सुखबीर बादल साहब का कोई रख रहे प्रोग्राम जी हाई कमांड दे के? बिल्कुल, जदन असी सारे सज्जना मित्रां नाल यह प्लैन कर लाँगे कि हुण सानू उन्हां नूं सद्दना चाहीदा उदों असी उन्हां नूं सद लाँगे, ये साडा प्रोग्राम है भी असी पहलों सारे पिंडां नूं ऑर्गेनाइज कर लईए फिर उस हिसाब नाल क्योंकि भरवी रैली की जाऊगी। धन्यवाद। ठीक, फतेहगढ़ चूड़ियां तो रमेश सोनी की रिपोर्ट, पंजाब टूडे।